आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो आपको जानकारी दी जाएगी वह सैतवाल मत छत्री समाज के बारे में होगी। उसका एक खूट है न कहानियाँ छत्री नागवंश, और यह जानकारी आपको गोरखपुर जनपद और उसकी छत्री जातियों के इतिहास पुस्तक से दी जाएगी, जिसके लेखक डॉक्टर राजबलि पांडे जी हैं। और जानकारी जो भी होगी प्राचीन होगी। नकनिया वंश के लोग विशेषकर सदर, हाटा और महाराजगंज तहसील में बसे हुए हैं। इनका निवास क्षेत्र उस भाग में है जहाँ प्राचीन काल में नागवंशी कोलियो का राम जनपद था। इसीलिए नकानिया सैतवाल क्षत्रियों का मूल वंश नागवंश है और प्राचीन राष्ट्र राम जनपद है। इनका आधुनिक गोत्र कश्यप है। गोत्र इनका इस समय का कश्यप है, पूर्व में कुछ और रहा होगा। और गोत्र ऋषि परंपरा से चलता है, रक्त परंपरा से नहीं। इनकी जनसंख्या गोरखपुर में 785 और बस्ती में 40, संपूर्ण संख्या 825 है। जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या प्राचीन है, क्योंकि जानकारी भी प्राचीन है, पुस्तक भी काफ़ी पुरानी है। इसीलिए प्राचीन जनसंख्या से और इस समय की जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। इस समय जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुई है। और यह किन किन गांव में बसे हुए हैं आपको बताते हैं। गांव का नाम इसीलिए बताया जाता है ताकि इस गांव में बसे लोग जान सके कि हमारा कूट क्या है, हमारा गोत्र क्या है और हमारा वंश क्या है, हम कौन से क्षत्रिय हैं। इनका गांव है हरदी, गौनरिया, रमवापुर, कड़जही, कुरमौटा, रामपुर, बुजरुग, वरसैना, नवापार, बनकटा, डोमबरवा, भलुही, जमुनी बरवा, सोमली, सिमरहियाँ, रामपुर, पटहवा, गागरानी, गायधार, जनकपुर, कुंजलगढ़, बसवार, इलाहाबाद और सिरसियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो जानकारी चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट के अनुसार जानकारी देंगे और अगली वीडियो आपके जो जानकारी चाहिए वही हम बनाएंगे। धन्यवाद। जय माँ भवानी।